नमस्कार, एसएमजेड न्यूज इंडिया देख रही सिर्फ दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। जानेंगे देश देश का हाल, तो डालते हैं सबसे पहले मुख्य सुर्खियों पर नजर। पंजाब सीएम ने गवर्नर को जवाब भेजा, चिट्ठी में लिखा 50 नहीं 47,000 करोड़ कर्ज लिया, अब केंद्र से आरडीएफ ने 5,637 करोड़ दिलाए। पंजाब में लखीमपुर खीरी केस पर प्रदर्शन, किसानों ने जलाया पीएम का पुतला, आप विधायक उगोके के घर डायरेक्ट बिजली की वीडियो पर। पीएम को मिले तोहफों का ई ऑक्शन शुरू, इस बार 912 आइटम नीलाम होंगे, ये 5 साल में सबसे कम बेस प्राइस 765 लाख रुपए। राहुल गांधी का गोल्डन टेंपल में दूसरा दिन महिलाओं के साथ सब्जी काटे, लंगर हॉल के जूठे बर्तन धोए। नोबेल प्राइज अनाउंसमेंट का दूसरा दिन आज फिजिक्स के विजेताओं का ऐलान होगा, सीवी रमन इकलौते भारतीय 1930 में खिताब जीता था। जम्मू के राजौरी में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2-3 दहशतगर्दों के छिपे होने की आशंका, कल सर्च ऑपरेशन में 2 जवान घायल हुए थे। महाराष्ट्र के अस्पताल में अब तक 31 मरीजों की मौत, 24 घंटे में 24 की जान गई थी, इनमें 12 बच्चे शामिल, आज 7 ने दम तोड़ा। भारत ने 41 कनेडाई डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने को कहा, रिपोर्ट्स में दावा 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी, अभी कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स मौजूद। ट्रंप पर 832 करोड़ के घोटाले का आरोप, अटॉर्नी जनरल की मांग, 20,000 करोड़ का जुर्माना लगे, सभी बिजनेस बैन होने चाहिए। चीन के मून मिशन में होगा पाकिस्तानी पेलोड, पहली बार चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने का लक्ष्य, 2024 में होगा लॉन्च। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगी और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ News India।